नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ योगिता। स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बोल्ड स्काई में। नमक बिना खाना बेस्वाद और फीका लगता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज का सेवन सेहत के लिए हानिकारक होता है। वहीं हम में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खाना खाने के समय थाली में नमक अलग से लेकर बैठते हैं, जो कि बिल्कुल गलत आदत है। ज्यादा नमक का सेवन सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में सोडियम क्लोराइड से मिलकर बने नमक की सही मात्रा लेना बहुत जरूरी है। एक स्टडी के मुताबिक कम नमक खाने से कार्डियोवास्कुलर होने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए खाने में उसकी संतुलित मात्रा होना बेहद जरूरी है। आजकल जंक फूड और रेडी टू फूड का ज्यादा सेवन करने लगे हैं, जिसमें नमक की मात्रा काफी ज्यादा होती है। इस तरह के फूड का सेवन स्ट्रोक जैसे गंभीर खतरे को बढ़ा सकता है। ज्यादा नमक खाने से शरीर का पानी यूरिन और पसीने के रूप में ज्यादा तेजी से बाहर निकलने लगता है। इससे किडनी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और किडनी की परेशानी हो जाती है। अगर आप ज्यादा नमक खाते हैं तो आपको किडनी फेलियर की समस्या होने की ज्यादा संभावना है, इसलिए नमक की मात्रा पर आपको ध्यान देने की बहुत जरूरत है। ज्यादा नमक खाने से रक्तचाप भी बढ़ जाता है। यदि आप उच्च रक्तचाप के मरीज हैं तो नमक की मात्रा अपने भोजन में तुरंत कम कर दें, जिससे ब्लड प्रेशर लो होने में मदद मिलेगी। हाई ब्लड प्रेशर के चलते ही सबसे ज्यादा लोगों को दिल से जुड़ी बीमारियां होती हैं। आपके गुर्दे प्रतिदिन 120 तिहाई से अधिक रक्त को फिल्टर करते हैं। वे पूरे शरीर में कोशिकाओं से विषाक्त पदार्थ को अवांछित तरल पदार्थ खींचते हैं, फिर उन्हें मूत्राशय में भेजते हैं। बहुत अधिक नमक खाने से आपकी किडनी के लिए तरल पदार्थ निकालना मुश्किल हो सकता है, जो आपके सिस्टम में जमा हो सकता है और उससे आपके रक्तचाप को बढ़ा देता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक गंभीर बीमारियों से बचने के लिए हमारे दैनिक आहार में रोजाना महज 5 ग्राम नमक पर्याप्त है। 1 साल से छोटे बच्चे को पूरे दिन में 1.5 चम्मच से अधिक नमक नहीं लेना चाहिए। इससे ज्यादा उम्र वाले बच्चों को 1 चम्मच से अधिक नमक ना खिलाएं। मोटापा कम करना चाहते हैं तो दिन में 1 चम्मच से ज्यादा नमक ना खाएं। तो दोस्तों, हमारे आज के इस खास वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।